क्लास 7 के मैथमेटिक्स चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में पढ़ना है कुछ लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन ऑड, उसका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी पढ़ने हैं। तो नेचुरल नंबर आप सबको पता है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं, वन से शुरू होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, जीरो वन टू थ्री। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर के टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये तो पता है ना इवन कौन कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट, यानी लास्ट डिजिट जो जिस वर्ड के जिस डिजिट के होते हैं वो इवन, जिस डिजिट के लास्ट डिजिट होते हैं वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन वो ऑड हुआ। प्राइम वो होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं जैसे टू, ठीक है, जो कि इवन भी है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि वो कौन सा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो टू। फिर इसके बाद आते हैं थ्री फाइव ऐसे। कंपोजिट, कंपोजिट वो होते हैं जिसके कम से कम एटलीस्ट टू फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ फैक्टर उसको छुड़ा के, जैसे मानो सबसे कम टू का ब्रेक करोगे तो वन इंटू टू, यानी वन और इसका खुद का है। उसके बाद बैठो भी टू थ्री कंपोजिट, देखो कंपोजिट वो होते हैं जिसके इटसेल्फ और वन के अलावा जो फैक्टर कम से कम एटलीस्ट वन चाहिए, जैसे फोर, फोर को क्या कर सकते हो टू इंटू टू इंटू वन, यानी टू इंटू टू इंटू वन, यानी टू इंटू वन हुआ अलग और टू, एक फैक्टर तो कम से कम है ना, जैसे देखो यहाँ टू इंटू टू इंटू वन, इसका एटलीस्ट वन फैक्टर आया तो ये कंपोजिट हुआ। ओके, फिर इसके आगे पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के दो टाइप होते हैं, रेशनल और इरेशनल। पढ़िए और आप पढ़िए, इसको पी बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जा सकता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं डिनोट किया सकता है। इंटीजर होता है जेड और आई, और रेशनल नंबर होता है क्यू कहो इसको या आर कहो, और इसको क्यू डैश कहो या आर डैश कहो। तो ये इंटीजर में अब पढ़ना है मुझे रेशनल नंबर क्या होते हैं। ये तो पता है कि नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इवन, सम संख्या, विषम संख्या, ये प्राइम है, को प्राइम, फिर इंटीजर, तो रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर को पढ़ना है, रेशनल नंबर यानी कि पहला संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जा सकता है, पी बाई क्यू, जैसे मान लें कि एग्जाम्पल हो वन बाई टू, यहाँ पे हेयर पी इक्वल टू वन एंड क्यू इक्वल टू टू, जो कि नहीं इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको क्या, ये रेशनल नंबर है ना। जीरो इसलिए नीचे नहीं जाता है क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। अब देखो रेशनल नंबर है बड़ा छोटा कौन सा है, कंपेयरिंग द रेशनल नंबर्स, या कहो तो द नंबर्स से,
जैसे मान लो ये है 5, 4 दोनों में बड़ा कौन है, ये तो पता है ना बड़ा ये है ना। ऐसे एक एग्जांपल दूसरा ले लो 1/2 और 1/4, इसको अगर पता करना है कौन सा बड़ा है तब क्या करोगे, सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालोगे 2 और 4 का 4 आएगा, तो इसको 4 में अगर 1/2 को अगर 4 करना हो तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आया। अब देखो 1 और 2 में कौन बड़ा है, 1/2, तो ये बड़ा हो गया ठीक है। और एक एग्जांपल और हो गया कि -1/2 रहा और -1/4, तो ऐसे ही करेंगे पहले इसको 1/2 इसको लिख सकते हो ना, -2/4 और -1/4 लिख सकते हो। लेकिन गौर करो ये जो नंबर लाइन होते हैं, कुछ नंबर लाइन पे नंबर बता रहा हूँ अभी बताऊंगा, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी है, ये जीरो है, ये -1 -2 +1 +2। तो ये देखो काउंटिंग के बाद के आने के बावजूद भी ये पहले है, जैसे इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये -2 है यानी 1 के बाद 2 है, फिर भी माइनस लगा हुआ तो ये छोटा है। तो यहाँ देखो 1 और 2 में माइनस में है तो कौन बड़ा कौन छोटा है, -1 बड़ा है और -2 छोटा है, ऐसे करेंगे हम ओके। अब तो पता कर सकते हो ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो आगे इंसर्टिंग द रेशनल नंबर्स यानी इंसर्ट करना डालना, मान लो ये है 5/2 और ये है 7/4, तो पहले इसको लिख सकते हो ना 5 को 2 से करोगे तो 10/4 और 7/4, तो इस दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, एक तो 8/4 9/4 हो सकते हैं ना, तो दो रेशनल नंबर हो सकते हैं। ऐसे दो डिजिट के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे ये नंबर लाइन देखो, मान लो अगर ये 0 है +1 और +2 तो 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.34 एंड सो ऑन करते करते 1.9 तक जाते हो, फिर उसमें ही मान लो अगर ये 1.1 है तो इसके बीच में भी हो सकता है 1.01, फिर इसके ही बीच में हो सकता है, इसके ही पहले हो सकता है 1.001, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स ओके, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। इस पे आप क्लास 7 के बहुत सारे एक्सरसाइज को बना सकते हैं ओके। अब इसके आगे पढ़ना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना हो ऐसे ही नंबर लाइन पे डिनोशन दिखा सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मान लो यहां ध्यान देना -infinity ये +infinity जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अगर कहे कि यहां पे नंबर लाइन पे डिनोट करना है किसको, डिनोट द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स -4 -2/1 -4/2 -4/2 -2 9/2 ऐसे करना है। तो -4 ये हुआ -4 ओके, -4/2 तो -2 हुआ, 3/2 कितना होता है 1.5 होता है ना, तो 3/2 1.5 ये 3/2 हुआ, 9/2 कितना हुआ 4.5
यहाँ वन या फाइव टू ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर हो गए। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्लास से। अब अगले पार्ट में मैं बताऊंगा ऑपरेशंस और रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर के साथ क्या क्या किया जा सकता है। ओके, पहले आप इसे कवर कर लें और कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करें।